गाइस, इट्स शिवांगी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। एनीवे गाइस, मूविंग ऑन विद दिस वीडियो। कल बड़ी दिवाली है, आज छोटी दिवाली है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपके घर की सारी सफाइयां खत्म हो गई होगी एंड आपने ऑलरेडी अपने घर को डेकोरेट कर लिया होगा। सो उसी चीज को बस एड ऑन करने के लिए आई थॉट क्यों ना मैं दिवाली स्पेशल वीडियो बनाऊं। बट ये सिर्फ दिवाली स्पेशल नहीं है, जो भी आज मैं बनाने वाली हूं आप उसको नॉर्मल डेज में भी यूज कर सकते हो। बिकॉज जब हम कोई दिवाली की डेकोरेशन करते हैं ना, जब हमें निकालने का टाइम आता है तो बड़ा दुख होता है कि यार अब अगले साल इसे डेकोरेट करेंगे। सो आई वांटेड कि मैं जो भी बनाऊं वो मैं साल में सारे दिन उसे डेकोरेट कर सकूं। आज मैंने प्लान किया है कि मैं विंड चाइम्स पे पेंट करूं। आओ 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 गाइस, ये टेराकोटा का है यार, ये कितना तिरछी लग रहा है। मैंने रैंडमली देखा एंड आई वाज लाइक आई कैन नॉट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम टू पेंट दिस, बिकॉज ये चीज डेफिनेटली इसी रूम में डेकोरेट होगी वंस आई एम डन डूइंग दिस। दिस वाज फॉर 170 या 180 रुपीस का। ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट एनीवे गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस। मैं सबसे पहले जेसो का यूज करूंगी। वेल, आई एम एक्सपेक्टिंग इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज हमें जैसे को अंदर से बाहर से छोटे एलिमेंट को कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ही ज्यादा शिटी लगेगा, विच वी डोंट वॉन्ट। विद ऑल दी घंटियाज एंड गोले, वी ऑल्सो हैव सम बर्ड्स हियर, सो क्यूट। एनीवे गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसो लगाते लगाते ही 100 बरस बीत जाएंगे एंड तब भी ये कम्प्लीट नहीं होगा, बिकॉज जो मुझे लग रहा था ये उससे भी ज्यादा टाइम ले रहा है। क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? By the way, देख रहे हो तुम लोग, इसमें गोला, घंटी, पक्षी और साथ ही साथ पत्ते भी है। आई मीन कितना कुछ है यार इस छोटे से पीस में। आई मीन ये छोटा तो नहीं है, काफी बड़ा है, इसीलिए मेरी हालत अभी से ही टाइट हो चुकी है। लेट्स सी एंड तक क्या होता है यार। यार ये जो पीस है अभी जिसमें मैं जैसो अप्लाई कर रही हूँ, ये वुडन है। आई एम थिंकिंग इसपे कुछ ना कुछ तो झकास हमें करना ही चाहिए। एनीवे यार, अभी और भी बेल्स बाकी है, और भी गोले बाकी है, और भी बर्ड्स बाकी है, कैसे होगा सब कुछ? दिस इज ट्रिकी यार। आई गेस मुझे इसकी पार्ट 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, बट दैट मेक्स नो सेंस। जब इसका पार्ट 2 आएगा तब तक दिवाली ऑलरेडी जा चुकी होगी एंड फिर आप लोग बोलोगे क्या था शिवांगी। सो आई थिंक मुझे थोड़ा स्ट्रेच करके कैसे भी करके इस पीस को आज ही खत्म करना पड़ेगा। आई एम नॉट इवन किडिंग, इतना टाइम ले रहा है ना। बट फाइनली गाइज, इट्स डन, इट्स ऑल वाइट। वाओ, दिस इज लुकिंग रियली प्रिटी। अब स्टार्ट करते हैं इसको पेंट करना, बिकॉज आई कैन नॉट वेट नाउ। एंड यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ एक्रेलिक पेंट्स गाइज। बाय द वे, मेरा प्लान है कि यहाँ पे मैं चटकीले रंगों का यूज ना करूँ, थोड़ा टोन डाउन करके ही यूज करूँ एंड इसको मैं बहुत ज्यादा कलरफुल बनाने वाली हूँ, बिकॉज नंबर 1 दिवाली, नंबर 2 I love colors। मैं उन्हीं सब का मिश्रण करके इसे कंप्लीट करूंगी, बट अभी के लिए धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यू गाइज नो इट, इसमें बहुत टाइम लग रहा है एंड आई एम श्योर मुझे कल भी इसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इन केस ऑफ यूर वॉन्डरिंग कि मैं साथ ही साथ वॉर्निश क्यों अप्लाई कर रही हूँ, तो यार मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ जिससे कि ये पेंट चिप ऑफ ना हो, अदरवाइज फिर तो सारी मेहनत गई ना। तो इसीलिए मैं सेफर साइड के लिए पहले ही वॉर्निश अप्लाई करती जा रही हूँ जैसे जैसे पेंट करती जा रही हूँ, इसकी वजह से भी बहुत टाइम लग रहा है। बट इन होल आई एम रियली 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 एक्साइटेड टू सी द फाइनल आउटकम, बिकॉज मेहनत लग गई है यार ऑलरेडी इतनी, अब तो देखना बनता ही है। थोड़ा ट्रिकी है बिकॉज सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है एंड सब कुछ अलग अलग भी है। मतलब आई विश अगर ये सब अलग हो जाता है देन मैं इसे पेंट करके वापस से अटैच कर पाती एक दूसरे के साथ, मेरे लिए इजी होता, बट इतनी मेहनत कैसे होगी, कौन करेगा, इसीलिए ऐसे ही कर रही हूँ। दैट इज द रीजन ये थोड़ा टफ हो रहा है यार। पर्पल एंड ब्लू कलर ऑलमोस्ट हो चुका है, अब मैं आगे बढ़ूंगी नेक्स्ट कलर की तरफ। जल्दी से गैस कर लो आपको क्या लगता है मैं नेक्स्ट कलर कौन सा यूज करने वाली हूँ। अब क्या गैस करोगे यार, अब तो आपको पता चल चुका है। एनीवे, यहाँ पे मैं येलो कलर का यूज कर रही हूँ, बिकॉज एज आई सेड यार कि मुझे बहुत सारे कलर्स का मिश्रण बनाना है इस पीस में एंड ऑलरेडी इतनी मेहनत लग चुकी है, तो थोड़ी और कर ही देते हैं अब। चलो
वेल, अब सिर्फ लास्ट टू बेल्स रहती है गाइस, एंड इस पे मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहाँ पे पिंक कलर का यूज करूँ, जिससे कि और भी ज्यादा कलरफुल, क्यूट सा एंड प्यारा सा लगे। तो मैंने जानबूझ के चटकीले कलर्स नहीं यूज करे, बिकॉज मुझे कुछ डिफरेंट करना था। एनीवे डोंट वरी, मैं बस कलर्स करके इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं थोड़ी डिटेल्स बाद में और ऐड करूंगी गाइस। सो दिस हैपेंड, आई कैन नॉट टेल यू हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ। मैंने इसे साइड में रखा हुआ था सूखने के लिए, एंड तब तक जब तक ये सूखता उससे पहले टेबल से नीचे गिर गया एंड टूट गया। आई कैन नॉट टेल यू हाउ पथेटिक आई एम फीलिंग, आई वॉज जस्ट क्राइंग एट दिस मोमेंट। मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना घटिया फील हो रहा था। आई वॉज जस्ट थिंकिंग लेट्स जस्ट स्किप दिस वीडियो, इस हफ्ते कुछ नहीं डालती, क्योंकि टाइम ही नहीं था यार, 11 बज रहे थे इस टाइम पे। आई हैड मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल फीलिंग्स एट द सेम टाइम। आई वॉज जस्ट नॉट श्योर वट शुड आई डू नेक्स्ट, बिकॉज जो भी मैंने बनाया था मैंने उसका प्रॉपर वीडियो भी नहीं लिया था अभी तक, एंड मैं वैसा भी अपलोड नहीं कर सकती थी। सर मेरा लेजिट फट चुका था, अभी मैं बहुत आराम से कामली बात कर रही हूँ, उस टाइम पे मैं बस रोती जा रही थी। एंड रोते रोते आई डिसाइडेड लिसन, मैं नहीं कर सकती ये, आई नीड टू शो द रियलिटी। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि पेंट करते टाइम आपकी पेंटिंग के ऊपर पानी गिर गया हो या कुछ भी रैंडम गूफ अप्स हुए हो, जैसे मेरे साथ हुआ। सो आई थॉट आई जस्ट अपलोड इट ऑन इंटरनेट सो दैट यू गाइज नो दैट ये मेरे साथ भी होता है। ऑल आई एम ट्राइंग टू डू हियर इज आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, ऑल्दो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वीडियो के एंड पे हमें रियलाइज हो कि ये तो फिक्स ही नहीं हुआ यार, ये बेकार ही लग रहा है, बट आई एम गोना गिव माई 100% बिकॉज इतनी मेहनत करी यार, सुबह से मैं अपनी मेहनत वेस्ट नहीं जाने दूंगी, थोड़ा जोश अपने अंदर लेके आती हूँ एंड इसे प्रॉपरली अब हमें कम्प्लीट करना है। सो इसी बात पे गाना हो जाए, बॉब द बिल्ड करके दिखाएंगे, बॉब द बिल्ड। हाँ भाई हाँ, आपने देखा ना कुछ कुछ पीसेस का ऐसे टूट के चूरा बनाए कि मैं उसको वापस से पेस्ट नहीं कर सकती। सो आई एम गोना यूज माय फेविक्रिल मोल्डेड क्ले अगेन एंड मैं उसी को यूज करके फिल करूंगी इन सारे गैप्स को, बिकॉज मैं अपनी तरफ से ट्राई करूंगी यार कि ये ब्रांड न्यू ही लगे। बस आप लोग को और मुझे पता होगा कि इसमें कुछ कमी है, बट मैं नहीं चाहती कि मेरे घर पे जो आके इसे देखे उसे लगे कि इसमें कोई कमी है। श्योर हम कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, तब भी नहीं होगा तो मैं इन सारी रोप्स को काट के जो अच्छे पीसेस होंगे उनको अलग से कुछ ना कुछ क्रिएट करके एंड में कर लूंगी यार, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बस बने रहो मेरे साथ एंड प्लीज बताना आपको अभी तक का प्रोसेस मेरा कैसा लग रहा है। आई नो ये वीडियो थोड़ी शॉकिंग एंड एकदम रैंडम ट्विस्ट एंड टर्न्स है इसमें, माफ करो यार मुझे, बट एनीवे मैं अभी भी अपना 100% दे रही हूँ एंड मैं इस पर ढेर सारी डिटेल्स ऐड करूंगी व्हाइट एक्रेलिक कलर को यूज करके। सो यस आई एम गोना डू दैट, मैं इसको बहुत ही ज्यादा क्यूट सा फॉर्म दे रही हूँ। ओवरऑल आई थिंक दिस इज लुकिंग रियली प्रिटी नाउ कंप्लीट होने के बाद। यस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, इफ यू आर न्यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मैं ये बोलना चाहूंगी कि कितनी बार हम बीच में हार मान जाते हैं, बट आई एम ग्लैड इस वीडियो में हमने हार नहीं मानी। अगर आपके साथ इनकेस गलती से बाई चांस फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो प्लीज इस वीडियो को एक मोटिवेशन की तरह लेना एंड डेफिनेटली अपने आर्ट पीस को बीच में मत छोड़ना यार, फाइट करना उसके। And ye raha before and after of this product. I am totally in love with this. Bye bye, take care, I love you.